पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राजेश कुमार तथा क्षेत्राधिकारी सिरसागंज इंदु प्रभा के कुशल नेतृत्व में सिरसागंज पुलिस व एसओजी टीम ने पांच शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि ये लोग रात के समय सुनसान इलाकों में स्थित शराब के ठेकों को अपना निशाना बनाकर शराब की दुकानों में नकब लगाकर शराब की पेटियां इको कार में लोड करके भाग जाते थे तथा चोरी की गई शराब को सस्ते दामों में बेच देते थे। कुछ दिन पूर्व उक्त अभियुक्तों द्वारा थाना टूलना क्षेत्र तथा नारकी में दुकान का शटर काटकर चोरी की थी। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों के विरुद्ध तमाम थानों में आपराधिक अभियोग पंजीकृत हैं। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज गिरीश चंद्र गौतम, एसओजी प्रभारी उप निरीक्षक कुलदीप सिंह चौहान, थाना सिरसागंज वरिष्ठ उप निरीक्षक हरीश कुमार, उप निरीक्षक रणवीर सिंह, कांस्टेबल एसओजी आशीष शुक्ला, राहुल यादव, रविन्द्र कुमार, भगत सिंह, नदीम खान, कांस्टेबल परमानंद कौशलेन ने प्रमुख भूमिका निभाई। सूर्य प्रताप सिंह, फिरोजाबाद, समाचार 24। सिरसागंज पुलिस और जनपद एसओजी को एक ऐसा गिरोह मिला है, ये नए तरह का गिरोह आप देखेंगे, ये शराब की दुकानों को निशाना बनाता है, शराब या बियर की दुकानों को, और रात में एक इको गाड़ी चलते हैं, पांच सदस्यीय गैंग है, और ये उस शराब की दुकान में नकब लगाकर सेध लगाकर वहाँ पे जो जितनी भी पेटियाँ शराब की मिलती थी इको गाड़ी में रख लेते थे। इसी तरह बियर की दुकान में भी जितनी बियर की बॉटल्स मिलती थी इनको पेटियाँ मिलती थी इको गाड़ी में रख लेते थे, फिर इसको अपना घूम घूम के बेच लेते थे, फिर जब ये खत्म हो जाता था स्टॉक फिर किसी ऐसे ही दुकान को ये निशाना बनाते थे। अभी जनपद में दो घटनाएं ताबड़तोड़ इस तरह की हुई, एक टुंडला में हुई थी तहसील तिराहे के पास, शराब की दुकान में नकब लगाकर 40 पेटी चुराया गया था वहाँ से, और उसी के दो चार दिन पहले नारकी तिराहे पर एक बियर की दुकान थी वहाँ से 15 पेटी बियर इन्होंने चुराया था। ये सब माल इनके पास से बरामद हुआ है। कल मुठभेड़ के दौरान ये सिरसागंज पुलिस और एसओजी को सफलता मिली है, इनके पास तमंचे और कारतूस भी मिले हैं और चोरी का पूरा माल मिला है। इस तरह से इस गैंग के पकड़े जाने से जो ये शराब के दुकानों में चोरियां हो रही थी लगातार, उनमें निश्चित रूप से अंकुश स्थापित होगा।